दोस्तों आपका स्वागत है। आज की स्टूडियो में हम जानकारी देखने वाले हैं सोने के तरीके से जाने किसी भी लड़की का स्वभाव। ये वीडियो देखने से पहले हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे, ये जानकारी हमने शास्त्र से ली है। सामान्यतः जो शास्त्र कहते हैं वही जानकारी दिया है। हो सकता है अलग अलग लड़के के अलग अलग तरीके और उनका स्वभाव हो सकता है। दुनिया में हर इंसान सभी चीजों से समझौता कर सकता है सिवाय अपने खान पान और सोने के तरीके से। आज हम बात करेंगे आपके सोने के तरीके और उनके बारे में। हर इंसान का अपना सोने का एक अलग तरीका होता है, क्या आप जानते हैं? इन सोने के तरीके से आप इंसान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने। जैसे शरीर का हर अंग अपने व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ बताता है, उसी प्रकार आपके सोने के तरीका भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। आइए आज हम वही बात करते हैं। दोनों हाथ या पैर को फैलाकर पीठ की पल सोना। जो लोग दोनों हाथ और पैरों को फैलाकर पीठ की पल सोते हैं, वे लोग अपने कार्य में पूरी स्वतंत्रता के साथ पसंद करते हैं। इन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने का मोह रहता है। आमतौर पर ऐसे लोग जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। ये लोग सुंदरता की ओर तुरंत ही आकर्षित हो जाते हैं। इन्हें गॉसिप करना भी काफी पसंद होता है। पैरों को कसकर सोना। अगर आप सोते वक्त अपने पैरों को कसकर या जकड़ लेते हो और अपने पूरे शरीर को ढक लेते हो, आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना होगा, किंतु आपके अंदर इतनी क्षमता भी होगी कि आप हर चीज के अनुसार अपने आप को डाल सकते हैं। पूरा बदन ढककर सोना। यदि आप सिर से लेकर पांव तक खुद को पूरी तरह ढककर सोते हैं, तो आप बाहर से चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो और आप चाहे बाहर से कितने भी ताकतवर क्यों ना दिखाई दे पड़ते हो, लेकिन आप अंदर से किसी न किसी तरीके से कमजोर है। आप किसी भी काम में शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। आपके पास ऐसे राज है जो आप अपने मन में दबा कर रखते हैं पर किसी को बताते नहीं है। सिकुड़कर सोना। सिकुड़कर सोने वाले व्यक्ति थोड़े असहज अर्थात थोड़े कठोर दिल के होते हैं। उन्हें घुलने मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। जब ये लोगों से घुल मिल जाते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। साथ ही शरीर को सिकुड़कर सोने वाले व्यक्ति लेकिन अंदर से बहुत डरपोक होते हैं। आप अकेले रहने से डरते हैं। पैर पर पैर रखकर सोना। पैर पर पैर रखकर सोने वाला व्यक्ति संपूर्णता का प्रतीक होता है। ये अपने जीवन में संतुष्ट होता है और तृप्त होता है। साथ में इन्हें सहनशीलता भी प्राप्त होती है। इनका मानना होता है कि खुद ही प्रसन्न रहो और दूसरों को भी प्रसन्न रखो, इसलिए ऐसे लोगों का जीवन हमेशा सुखों से भरा हुआ होता है। ऐसे लोग व्यर्थ की बातें में समय बर्बाद नहीं करते बल्कि अपने कार्य में ध्यान देते हैं। करवट लेकर सोना। करवट लेकर सोने के आदि है तो आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आप हर कार्य को पूरा करने की क्षमता भी रखते हैं और उसे पूरी ईमानदारी से साथ करते हैं।